दो दशक में ऐसा पहली बार होगा जब ओलंपिक खेलों में घुड़सवारी में कोई खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। एशियाई खेलों में रजत पदक जीत भारत का 36 साल का सूखा खत्म करने वाले फवाद मिर्जा ने आधिकारिक तौर पर टोक्यो ओलंपिक 2020 का टिकट कटा लिया है। वह 20 साल में पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय घुड़सवार होंगे। फवाद इस बात से बेहद खुश हैं कि वह ओलंपिक में भारतीय इक्वेस्टेरियन को कोटा दिला सके। फवाद का ओलंपिक खेलना पिछले साल नवंबर में ही तय हो गया था, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा जनवरी में हुई है जब इंटरनेशनल इक्वेस्टेरियन फेडरेशन ने अपनी रैंकिंग जारी की। फवाद दक्षिण पूर्व एशियाई ओसनिया जोन में सबसे ज्यादा ओलंपिक क्वालिफिकेशन अंक हासिल करने वाले राइडर बन के उभरे हैं। उनसे पहले भारत के सिर्फ दो घुड़सवार विंग कमांडर आईजे लांभा 1996 में और इम्तियाज अनीस 2000 में ही इक्वेस्टेरियन में ओलंपिक कोटा दिला सके। देश के इस उभरते हुए घुड़सवार पर एशियाई खेलों के बाद से ही दबदबा था। एशियाई खेलों में फवाद ने रजत जीत 36 साल बाद देश को पदक दिलाया था। अब वह ओलंपिक में भी भारत की बागडोर संभालेंगे। ओलंपिक में खेलने को लेकर जहां अधिकतर खिलाड़ी दबाव के कारण ठंडे पड़ जाते हैं, वहीं फवाद कहते हैं कि उन्हें दबाव से डर नहीं लगता क्योंकि वह दबाव पसंद करते हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि दबाव जरूरी है और मैं इसे अपने ड्राइविंग फोर्स के तौर पर उपयोग में लेता हूँ। दबाव वो चीज है जो मुझे प्रेरित करता है और सुबह बिस्तर से उठ कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देता है, और जब मैं अच्छा महसूस नहीं करता हूँ तो ये मुझे उस भावना से बाहर निकालने में भी मदद करता है। मुझे दबाव पसंद है और मुझे दबाव चाहिए भी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।